गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टूडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट एडिशन ऑफ थ्री नंबर्स। आज हम थ्री नंबर्स की एडिशन कैसे करते हैं वो पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स। फर्स्ट एग्जांपल, यहाँ पे रमा ने 2 रुपीज की पेंसिल ली है, प्लस उसने 3 रुपीज का एक इरेजर लिया है एंड 5 रुपीज की एक पेन ली है। ओके, 2, 3, 5, ये 3 नंबर्स है। पहले उसने कितने रुपीज पे किए एक शॉपकीपर को? 2 रुपीज, देन 3, 5, तो टोटल रुपीज उसने कितने दिए शॉपकीपर को? ओके, हाउ मच शुड शी पे द शॉपकीपर ऑल टुगेदर? सबके मिला के टोटल उसने कितने रुपीज दिए? सो ये है सिंगल नंबर, सो यूनिट। ओके, अब हम 3 नंबर्स को वर्टिकली कैसे अरेंज करेंगे? सबसे पहले 2, तो राइट हियर 2, देन प्लस फिर से उसने कितने रुपीज दिए? 3, सो राइट हियर 3, देन प्लस 5। ओके, अब इनकी टोटल करो आप, 2 प्लस 3, 5, एंड 5 प्लस 5, 10। ओके, इस तरीके से हमें 3 नंबर्स की एडिशन करनी है, वर्टिकली उन्हें अरेंज करना है। ओके, अब ये सिंगल नंबर थे, यूनिट थे। अब मैं 10 प्लेस वाली वैल्यू लूंगी, जैसे 15 प्लस 21 प्लस 31। ओके, 2 डिजिट है, मीन्स यूनिट एंड 10, सो राइट हियर प्लेस वैल्यू यूनिट एंड 10। अब 2 डिजिट नंबर आप कैसे अरेंज करोगे वर्टिकली? 15 है, 5 यूनिट प्लेस, सो राइट हियर 5, एंड 1 10 प्लेस। ओके, देन प्लस का साइन, देन 21 1 यूनिट प्लेस, 2 10 प्लेस, प्लस 31 1 यूनिट प्लेस, 3 10 प्लस। ओके, अब इनकी एडिशन करेंगे, ठीक है। 5 प्लस 1, 6, एंड 6 प्लस 1, 7, सो राइट हियर 7, देन 1 प्लस 2, 3, एंड 3 प्लस 3, 6। ओके, 67। इस तरीके से आपको वर्टिकली अरेंज करना है। ओके, अब हमने 2 डिजिट देखे, अब हम 3 डिजिट देखेंगे। 341 प्लस 112 प्लस 242। ओके, अब इन्हें ऐड करना है, इस 3 डिजिट नंबर्स को हमें वर्टिकली अरेंज करना है। तो हम कैसे करेंगे? 3 डिजिट है, यूनिट 10 एंड 100, सो पहले आप यहाँ पे यूनिट 10 एंड 100 लिख लो, 100 प्लेस वैल्यू, ठीक है, प्लस यहाँ पे आप लिख लो, देन 341 1, 4 एंड 3, 300 4 10s एंड 1 यूनिट, देन 112, सो राइट हियर 112, नेक्स्ट 242 10 प्लेस पे है, तो 10 प्लेस पे ही आने चाहिए। अब इनकी टोटल करेंगे। ओके, सो 1 प्लस 2, 3, एंड 3 प्लस 2, 5, सो राइट डाउन 5, 4 प्लस 1, 5, 5 प्लस 4, 9। ओके, देन 3 प्लस 1, 4, एंड 4 प्लस 2, 6, ठीक है, मैं यहाँ पे प्लस का साइन देना भूल गई थी। ओके, इस तरीके से हमें 3 नंबर्स को वर्टिकली अरेंज करना है। सपोज, फिर से एक एग्जांपल देखो, अब यहाँ पे है 129 प्लस 40 प्लस 10। ओके, अब यहाँ पे 3 डिजिट है, यहाँ पे 2 डिजिट है, और यहाँ पे भी 2 डिजिट है, हमें इनकी एडिशन करनी है। तो आप कब कैसे करोगे? 3 डिजिट है, इसलिए पहले आप प्लेस नेम लिख लो, यूनिट 10 एंड 100। ओके, देन
ये सबसे बड़ा नंबर है, 3 डिजिट आप यहाँ पे लिख लो, 129। ओके, देन है 40, तो आप 40 कहाँ पे लिखोगे, प्लस का साइन, 40। 40 आप यहाँ से लिखोगे क्या? अगर आप यहाँ पे 4 लिखते हो, ये 40 से डायरेक्ट 400 हो जाएगा। ओके, इसलिए 40 कहाँ पे लिखोगे आप, 0 यूनिट प्लेस एंड 4 10 प्लेस। ये 4 10 प्लेस है, तो ये 4 यहीं पे 10 प्लेस पे ही आना चाहिए, और 10 10 भी वैसे ही 10 प्लेस। ओके, हम 100 प्लेस पे ये नंबर्स नहीं लिखेंगे। अगर आप 100 प्लेस पे आप 4 लिखोगे, तो 40 की वैल्यू डायरेक्ट 400 हो जाएगी और आपकी एडिशन रॉन्ग हो जाएगी। ओके, तो आपको यूनिट, 10 एंड 100 इस तरीके से ही आपको अरेंज करना है। देन प्लस 900 मीन्स यहाँ पे 9, 4 प्लस 2 6, 6 प्लस 1 7 एंड 1। ओके स्टूडेंट, इस तरीके से आपको वर्टिकली अरेंज करना है। हम फिर से वन मोर एग्जांपल देखेंगे। यहाँ पे है 320 प्लस 5 प्लस 2, 3 डिजिट, 1 डिजिट एंड 1 डिजिट। तो ये यूनिट प्लेस है। ओके, यूनिट है, 5 भी यूनिट है, 2 भी यूनिट है, बट यहाँ पे यूनिट 10 एंड 100। तो पहले आप यूनिट 10 एंड 100 प्लेस नेम दे दो। देन 320 प्लस 5 यूनिट है, तो आप यहाँ पे यूनिट प्लेस पे ही लिखिए। अगर आप 10 प्लेस पे लिखते हो, तो 5 से वो 50 हो जाएगी उसकी वैल्यू, और अगर आप 100 प्लेस पे लिखते हो, तो 5 ये 500 हो जाएगी। इसलिए ये यूनिट है, तो आप यूनिट प्लेस पे ही लिखो। देन 2 है, प्लस 2 एडिशन, 5 प्लस 2 7, 2 एंड 3 एज इट इज। इस तरीके से आपको एडिशन करनी है वर्टिकली। ओके, लेट्स सी द एक्सरसाइज इन टेक्स्ट बुक पेज नंबर 21। अब यहाँ पे आपके टेक्स्ट बुक में कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं, वो हम सॉल्व करेंगे। कुछ एग्जाम्पल मैं आपको सॉल्व करके देती हूँ। फर्स्ट एग्जाम्पल, 25 प्लस 30 प्लस 32। ओके, 5 प्लस 2 7 एंड 3, 2 प्लस 3 5, 5 प्लस 3 8, राइट हियर 8। बाकी के एग्जाम्पल आप कर ही सकते हो। ओके, नाउ 3 डिजिट का मैं एक एग्जाम्पल सॉल्व करके देती हूँ आपको, ठीक है। यहाँ पे है 105 प्लस 3 प्लस 20। सबसे पहले आपको प्लेस नेम लिखना है, यूनिट 10 एंड 100। ओके, देन यहाँ पे 105 501, देन प्लस का साइन, यहाँ पे कितने हैं 3, सो राइट हियर 3। आप 20 भी लिख सकते हो। ओके, देन प्लस 20, 20 कैसे लिखोगे आप, 0 2, 2 कहाँ है 10 प्लेस, तो 2 कहाँ पे आना चाहिए, 10 प्लेस पे ही। ओके, ये हमने अरेंज किए हैं वर्टिकली। अब इसकी एडिशन करेंगे, 5 प्लस 3 8, 2 प्लस 0 2 एंड 1। 105 प्लस 3 प्लस 20 इज इक्वल टू 128। ओके स्टूडेंट, यू गॉट इट। ओके, ये एग्जाम्पल आपको सॉल्व करना है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखो, 200 प्लस 10 प्लस 1। ओके, ये मैं एक एग्जाम्पल आपको सॉल्व करके दिखाऊंगी, बाकी के एग्जाम्पल आपको अपने बुक में राइट डाउन करना है। ये टेक्स्ट बुक्स का फर्स्ट एग्जाम्पल है, 200 प्लस 10 प्लस 1। सबसे पहले 3 डिजिट है, तो राइट 110 एंड यूनिट, यूनिट 10 100, और यहाँ पे 200 प्लस, अब आप क्या लिखोगे, 10, 10 कहाँ पे आएंगे, 10 प्लस, ओके 1 एंड 0, देन प्लस 1। ओके, इस तरीके से आपको अरेंज करना है वर्टिकली, एंड देन उनकी टोटल 1 1 एंड 2। ओके, आपको एडिशन करते वक्त कभी भी आप लेफ्ट साइड से एडिशन नहीं करोगे, आपको राइट साइड से ही एडिशन करते आना है। इस साइड से ही आपको हमेशा एडिशन करनी होगी। अगर आप इस साइड से एडिशन करोगे, लेफ्ट साइड से आप एडिशन करोगे, तो आपका रॉन्ग हो सकता है। इसलिए हमेशा आप एडिशन करते वक्त
इस साइड से ही, यूनिट साइड से ही एडिशन करते हुए आना है। और आप जब ये नंबर्स अरेंज करते हो तब भी आप यूनिट साइड से ही अरेंज करो, ओके। जो लास्ट नंबर है वो यूनिट प्लेस पे ही आना चाहिए। अगर आप ये 10 बीच में लिखते हो तो आपकी एडिशन रॉन्ग हो जाएगी, इसलिए यूनिट प्लेस से ही आपको स्टार्ट करना है एडिशन करते वक्त, और उनकी उनका अरेंजमेंट करते वक्त भी आपको यूनिट साइड से ही करते लाना है, ओके। नाउ सिमिलरली ये एग्जाम्पल आपको अपनी बुक में सॉल्व करनी है, ओके। आपको समझ में आया थ्री नंबर्स किस तरीके से अरेंज करते हैं, ओके।